सिस्टम का लास्ट टॉपिक है साइनोवियल ज्वाइंट। इससे पहले हमने ज्वाइंट्स के क्लासिफिकेशन बताया था, क्या बताते हैं ज्वाइंट के क्लासिफिकेशन, उसमें एक ज्वाइंट थी साइनोवियल ज्वाइंट। ठीक है, साइनोवियल ज्वाइंट वो ज्वाइंट होती है जिसमें आर्टिकुलेटिंग बोन के बीच में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। क्या होती है? फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, उस ज्वाइंट को हम कहते हैं साइनोवियल ज्वाइंट। ठीक है, इस साइनोवियल ज्वाइंट में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे पहले एक होता है फाइब्रस कैप्सूल या ज्वाइंट कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो होता है वो है ज्वाइंट कैप्सूल या फाइब्रस कैप्सूल होता है। इसकी दो लेयर्स होती हैं, ये कैप्सूल दोनों ज्वाइंट्स को आपस में जो होता है सबसे बाहर की तरफ जो इसमें दो लेयर्स होती है, बाहर की तरफ फाइब्रस लेयर होती है। इसकी कौन सी लेयर होती है? फाइब्रस लेयर होती है। ये फाइब्रस लेयर जो होती है वो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है, और ये लिगामेंट्स होती है, लिगामेंट होती है, क्या होते हैं? लिगामेंट होते हैं, और लिगामेंटस होती है, फाइब्रस लेयर होती है, और ये लेयर जो है ये आर्टिकुलेटिंग बोन के जो है पेरियोस्टियम के साथ कॉन्टिन्यू हो जाती है। क्या होती है? पेरियोस्टियम क्या है? पेरियोस्टियम बताया था हमने, बोन के चारों तरफ एक जो लेयर पाई जाती है बोन की तरफ, जबकि बोन की जो आउटर लेयर होती है उसको पेरियोस्टियम कहा जाता है। तो इसी तरह से ये फाइब्रस लेयर जो दिख रही है, ये फाइब्रस लेयर जो है ये दोनों पॉइंट दोनों बोन को आपस में जोड़ती है, चारों तरफ ये कैप्सूल प्रेजेंट होता है, और ये कैप्सूल जो है ऊपर और नीचे आर्टिकुलेटिंग जो बोन्स हैं उनके पेरियोस्टियम के साथ कॉन्टिन्यू हो जाती है। ठीक है, दूसरी जो लेयर होती है वो लेयर दिख रही है, ये साइनोवियल लेयर। क्या है ये? साइनोवियल, ये मेम्ब्रेनस लेयर होती है, ये हाईली वैस्कुलराइज्ड होती है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है। क्या होती है? हाईली वैस्कुलराइज्ड होती है, बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई इसमें होती है, और इससे साइनोवियल फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है, यानी इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है। इसका फॉर्मेशन किससे होता है? साइनोवियल मेम्ब्रेन से होता है। किससे होता है? साइनोवियल मेम्ब्रेन से। इससे एक जो है एक फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस फ्लूइड को हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। जो दूसरी लेयर होती है कौन सी है? साइनोवियल लेयर है, जो अंदर की तरफ होती है, मेम्ब्रेनस होती है और हाईली वैस्कुलराइज्ड होती है। हाईली ऐसी वैस्कुलराइज का मतलब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई इसके ऊपर मिलती है, और ये जो है बहुत सारे, और ये लेयर जो है ये क्या करती है, ये फ्लूइड जो है अंदर में फ्लूइड बना होता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, इस फ्लूइड का फॉर्मेशन यही मेम्ब्रेन करती है। क्लियर हो गया? नहीं तो ये तो हो गया इसका, एक तो ये हो गया स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है, एक तो ज्वाइंट कैप्सूल, क्या हो गया? ज्वाइंट कैप्सूल। दूसरा जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है वो है आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज। क्या होते हैं? आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये कार्टिलेज वो कार्टिलेजेस होते हैं, हमने बताया था कि हाइलाइन कार्टिलेज, दोनों बोन्स की जो अपर जो सरफेस होती है वो एक कार्टिलेज से कवर्ड रहती है, इनको हम कहते हैं हाइलाइन कार्टिलेज। ये आर्टिकुलेटिंग बोन के सरफेस को कवर्ड करती है। क्या करती है? आर्टिकुलेटिंग बोन के, ये बोन के दोनों सरफेस को कवर किए हुए, यहाँ कवर किए हुए, यहाँ पे कवर किए हुए, ये हाइलाइन कार्टिलेज होती है, जो दोनों जुड़ने वाली जो बोन्स हैं, दोनों आर्टिकुलेटिंग जो बोन्स हैं इनके सरफेस को कवर करती है। तो ये आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है। क्या होती है? आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। पहला इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर साइनोवियल ज्वाइंट में क्या होता है? ज्वाइंट कैप्सूल। दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आर्टिकुलर कार्टिलेज, और तीसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर साइनोवियल फ्लूइड होता है। क्या होता है? साइनोवियल फ्लूइड, इसके अंदर भरा हुआ एक फ्लूइड होता है जो साइनोवियल मेम्ब्रेन के, साइनोवियल मेम्ब्रेन से बनता है। ठीक है, इस फ्लूइड, ये फ्लूइड जो है ये ब्लड सप्लाई भी, ये इससे इसको, इससे जो है इस फ्लूइड के थ्रू जो है बोन के बाद बाकी स्ट्रक्चर्स को न्यूट्रिशन भी मिलता है। क्या होता है? न्यूट्रिशन भी मिलता है और एक्सक्रीशन भी इसमें होता है। और इसके अलावा ये जो फ्लूइड है ये ज्वाइंट को ल्यूब्रिकेट करता है। क्या करता है? ल्यूब्रिकेट मतलब ल्यूब्रिकेशन करता है, ज्वाइंट की फ्रिक्शन को कम करता है। ल्यूब्रिकेशन माने कहते हैं ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, क्या सुना नहीं सुना? ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन को कम करने के लिए जो ऑयल डाला जाता है उसको ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल कहते हैं। तो वैसे ही ज्वाइंट के बीच जो फ्रिक्शन कम करने के लिए जो है ये क्या होता है, ये एज ए ल्यूब्रिकेटिंग काम करता है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल की तरह काम करता है। तो ये ल्यूब्रिकेशन एक काम हो गया किसका? साइनोवियल फ्लूइड का। किसका काम हुआ? साइनोवियल फ्लूइड का एक काम हुआ, क्या हुआ? ल्यूब्रिकेशन। दूसरा जो काम होता है वो न्यूट्रिशन का है। किसका है? न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन मतलब यहाँ से ब्लड से न्यूट्रिशन साइनोवियल फ्लूइड मिलता है, साइनोवियल फ्लूइड से बाकी स्ट्रक्चर्स को न्यूट्रिशन मिलता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई हर एक को नहीं है। यहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज है, यहाँ को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है, तो इनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? इनको न्यूट्रिशन जो है वो इसी साइनोवियल फ्लूइड से मिलता है। ठीक है, और तीसरा वर्ग होता है शॉक एब्जॉर्बर। क्या होता है? यानी ज्वाइंट पर कोई अगर जो है कोई झटका लगता है, कोई चोट लगती है, तो उस चोट को, उस शॉक को ये फ्लूइड एब्जॉर्ब कर लेता है।
तो तीन फंक्शन हमने साइनोवेव फ्रंट के बताए, कौन कौन से, एक फंक्शन कौन सा है, एक फंक्शन हमने सबसे पहला फंक्शन क्या बताया था हमने, साइनोवेव फ्रंट का ल्यूब्रिकेशन, क्या है ल्यूब्रिकेशन यानी फ्रिक्शन को कम करना, दूसरा काम बताया था न्यूट्रिशन, और तीसरा काम है शॉक एब्जॉर्बर, शॉक एब्जॉर्बर। तो दो तीन काम ये साइनोवेव फ्रंट के होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ अदर जॉइंट जो होती है उनमें कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, कुछ एक्सेसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एक्सेसरी लिगामेंट, ठीक है, क्या है, एक्सेसरी लिगामेंट। कुछ जॉइंट्स होते हैं जिनमें कुछ एक्स्ट्रा लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमने एग्जांपल के तौर पर लिखा है कि जैसे जो हिप जॉइंट होती है, हिप जॉइंट जो है ना, जो हिप जॉइंट होती है इसके तीन लिगामेंट एक्स्ट्रा लिगामेंट हम बता रहे हैं, नाम है इलियो फीमोरल लिगामेंट, इशियो फीमोरल लिगामेंट एंड प्यूबो फीमोरल लिगामेंट। ये लिगामेंट क्या करते हैं, ये जॉइंट के मूवमेंट जो इस जाए यानी कि जो यानी कि ओवर स्ट्रेचिंग जो हो जाती है उसको रोकते हैं, क्या रोकते हैं, ओवर स्ट्रेचिंग। मान लो ये वो जॉइंट जो है बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेचिंग करने लगे ना, तो इसको ये रोकते, ये लिगामेंट्स क्या करते हैं, रोकते हैं, क्योंकि ओवर स्ट्रेचिंग होगी तो इंजरी हो जाएगी जॉइंट की, तो ओवर स्ट्रेचिंग से इंजरी ना हो इसको रोकने के लिए एक्सेसरी लिगामेंट होते हैं, ठीक है। और भी जॉइंट में आता है, हर जगह पर अलग अलग एक्सेसरी लिगामेंट होते हैं, हमने एक हिप जॉइंट के लिगामेंट बताया, ये लिगामेंट जो है वो ओवर स्ट्रेचिंग से होने वाली इंजरी से रोकते हैं, क्लियर बात नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है कुछ जॉइंट में होता है वो बरसा होता है, क्या होता है, बरसा। बरसा क्या है, बरसा जो है एक फ्लूइड फिल्ड सैक होता है, किससे होता है, फ्लूइड फिल्ड सैक होता है जो साइनोवियल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, क्या होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, और ये जॉइंट्स के बीच बीच में पाया जाता है, जॉइंट्स के जो आर्टिकुलेटिंग बोन होती हैं इनके बीच में पाया जाता है, और क्या करता है, ये बिल्कुल तकिए की तरह काम करता है, कुशन लाइक बिहेवियर करता है, कुशन समझते हैं ना, जो बेड वगैरह पे या सोफे वगैरह पे रखे हैं कुशन, उनकी तरह बिहेव करता है, क्या काम करता है, ये दोनों के बीच के जो है रगड़ को, रगड़ से दोनों को इंजरी, रगड़ से नहीं फ्रैक्चर से जो इंजरी हो जाती है उससे बचाता है, क्या करता है, उससे बचा। तो बरसा का, बरसा क्या है, एक साइनोवियल फ्लूइड फील्ड है, यानी सैक होते हैं जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, वो साइनोवियल मेम्ब्रेन से सराउंड होते हैं, यानी कि सैक होते हैं, गद्दी जैसे गद्दियाँ होती हैं, वो जॉइंट्स के बीच पाई जाती हैं, जॉइंट्स के बीच को जो है वो फ्रैक्चर एक कुशन लाइक काम करती हैं, कैसे करती हैं, ऐसे काम करती हैं, कुशन, कुशन समझते हैं ना, सोफों पे गद्दे पड़े होते हैं, देखा नहीं देखा, उसको देख ला के लोग बैठते हैं, वो होता है कुशन, वो उस तरह बिहेव करती है ताकि जो है उसका काम क्या करते हैं भाई, जहाँ पे भाई इसका आदमी क्यों लगाता है पीछे, ताकि जहाँ पे जो है जॉइंट हड्डियाँ हैं वो पीछे टकराए नहीं, उस तरह हो चोट ना लगे, तो फ्रैक्शन उसी तरह से जॉइंट के बीच जो फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन से होने वाली इंजरी को बचाने के लिए ये बरसा काम करते हैं, ठीक है। तो ये बरसा सारे जॉइंट में नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट जॉइंट्स होते हैं जिनमें, जैसे नी जॉइंट में बरसा होता है ना, जैसे एंकल जॉइंट बरसा होता है, ये सब जॉइंट्स होते हैं जहाँ पे बरसा पाए जाते हैं। तो ये बरसा जो है क्या होता है, ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी, फ्लूइड फिल्ड सैक होते हैं जो जॉइंट, जॉइंट्स के लिए एज ए कुशन काम करते हैं, ताकि जो है वो इनकी जॉइंट्स जो है सर्फेस है वो इंजर्ड ना हो, क्लियर हुई बात नहीं। तो ये हो गया साइनोवियल जॉइंट के बारे में, उस दिन हमने एक क्लासिफिकेशन जॉइंट से बताए थे, उनमें एक जॉइंट ये था क्लासिफिकेशन में साइनोवियल जॉइंट, उसका ये एक कंपोनेंट जो है इसका, जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है वो बता दिया, ठीक है। कभी कभी आप लोग देखा होगा जॉइंट जो है जैसे होता नहीं, जैसे जॉइंट को ऐसे करो किट से आवाज़ निकलती है, किट से आवाज़ निकलती है, क्रैकिंग साउंड होता है जैसे कहते हैं, तो ये क्यों होती है, ये क्या वजह होने की, इसके बहुत सारी थ्योरीज हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो एक बहुत एक्सेप्टेबल थ्योरी है कि ये है कि जो है जब हम आदमी जो है जॉइंट को खींचता है तो इसके इसके जो है जो स्ट्रेच होती है जॉइंट, तो जब खींचता है तो इसका वॉल्यूम बढ़ता है, क्या बढ़ता है, जब खींचेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब कभी वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है, क्या होता है, प्रेशर कम होता है, और उस प्रेशर कम होने की वजह से इसके अंदर जो जो साइनोवियल फ्लूइड है इसके अंदर जो गैसें घुली हुई हैं वो बबल्स के फॉर्म में निकल, वो जो है गैसेस जो है वो निकल आती, बाहर निकलते हैं, बबल्स के फॉर्म में निकलते हैं, किस फॉर्म में, बबल्स यानी एयर बबल्स बन जाते हैं, उन गैनों गैसों के क्या बन जाते हैं, बबल्स बन जाते हैं, और वो बबल्स जो है जब बन करके जो फूट है कोलैप्स करते हैं, फूटते हैं, तो ये उनकी आवाज़ होती है, बात समझे कि नहीं, क्या होती है, उनकी आवाज़ होती है। लेकिन उसके बाद कुछ देर तक जो है आप दोबारा अगर उस जॉइंट को खींचे तो आवाज़ नहीं निकलती है, होता नहीं होता है, क्यों निकलती, क्योंकि जब तक वो गैस एब्जॉर्ब नहीं हो जाती तब तक दोबारा गैस जो है बबल्स नहीं बनते, तो वो रिफ्रैक्टरी पीरियड कहलाते हैं, करीब 20 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट के बाद जो है जब आप दोबारा करें तब आपको क्रैकिंग साउंड सुनाई देगी, उससे पहले नहीं सुनाई देती, क्योंकि उतनी देर में गैस जो बबल्स बने थे वो साइनोवियल फ्लूइड में दोबारा रीअब्जॉर्ब जब हो जाते हैं तब दोबारा जब आप खींचते हैं जॉइंट को फिर से आवाज़ निकलती है। तो क्रैकिंग साउंड जो है वो किसकी वजह से होती है, वो जो जो निकलने वाली जो गैस होती है, गैस बबल्स के फॉर्म में जो निकलती है, उन बबल्स का जो है क्रैकिंग, उस बबल के जो कोलैप्स होने की जो साउंड है, कोलैप्स जो होते हैं तो उनकी क्रैकिंग जो है जो साउंड होती है वो जो है वो क्रैकिंग साउंड ऑफ द जॉइंट होता है। लगभग नहीं, ये हो गया साइनोवियल जॉइंट के बारे में, समझ में आ गया।
थैंक यू।